क्यों खास है 1 अक्टूबर 1932 भारत के लिए, क्या सैम बहादुर नहीं बनना चाहते थे आर्मी ऑफिसर? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। और दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 27 जून 2008 में हम सभी को अलविदा कहने वाले मार्शल सैम के जीवन पर बन रही बायोपिक जिसका नाम है सैम बहादुर, जिसमें उनका किरदार निभा रही हैं विकी कौशल, और उनके साथ इस फिल्म में नजर आएंगी सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख। सैम बहादुर, जिन्होंने अपने जीवन में 5 वॉर्स लड़ी थी, ये ऐसे जाबाज ऑफिसर थे लेकिन हमेशा से ये एक आर्मी ऑफिसर नहीं बनना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, 1971 की वॉर में अपने करेज और कमांड से सबके छक्के छुड़ाने वाले सैम बहादुर एक गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। 15 साल की एज में स्कूल बोर्ड में कैम्ब्रिज बोर्ड से डिस्टिंक्शन पाने के बाद सैम बहादुर ने अपने पिता से लंदन जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी कम एज के चलते उनके पिता ने उन्हें अकेले भेजने से मना कर दिया। लेकिन अब हमारे जवान बहादुर भी एकदम जिद्दी थे, उन्होंने भी देहरादून के इंडियन मिलिट्री अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो एग्जाम को पास कर गए और वो 1 अक्टूबर 1932 को 40 कैडेट्स के बैच का हिस्सा बने। उनके फादर के नाम से ही देखिए भारत को इतने जाबाज और होनहार ऑफिसर मिले। दोस्तों बता दूं कि ये सब सैम बहादुर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आपको आने वाली फिल्म में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और खबरें जाननी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। वैसे अभी तक फिल्म की कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन खबर आ रही है कि फिल्म आने वाले साल 2022 के मिड तक शायद रिलीज हो जाएगी, क्योंकि अभी फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में इतनी जल्दी फिल्म का कंप्लीट होना तो मुश्किल लग रहा है, पर इसी के साथ एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि फिल्म थिएटर के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होगी। अभी इस पर कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये दर्शकों के लिए डबल ट्रीट हो जाएगी। दोस्तों बता दें कि फिल्म में आपको विकी कौशल सैम बहादुर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, वहीं इनकी वाइफ के रोल में सानिया मल्होत्रा और इंदिरा गांधी के रोल में हमें फातिमा सना शेख नजर आएंगी। अब मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा, इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है स्नेहा शेख।